नमस्कार दोस्तों, सीएम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमएस डॉस। ठीक है दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कार्य में बार बार डिस्क की मदद लेता है, उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डॉस छोटे बड़े सभी प्रकार के कंप्यूटर के लिए हो सकता है। IBM के पर्सनल कंप्यूटरों के लिए माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसे पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या PC डॉस कहा गया। ठीक है दोस्तों, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है दोस्तों, बाद में माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने IBM PC कंपेटिबल कंप्यूटरों के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या MS-DOS रखा गया। ठीक है दोस्तों, ये था डॉस। अब डॉस का इंटरनल कमांड देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट डॉस को ओपन करने के लिए सर्च बार में विंडो में ओके करते हैं। सर्च बार में ओके करते हैं, फिर यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है। CMD टाइप करने के बाद इंटर कर देना है, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हम अभी सी ड्राइव में हैं। ठीक है दोस्तों, सी ड्राइव से हमें डी ड्राइव में जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डी टाइप करना है, फिर कॉलन का साइन देना है, फिर इंटर करना है, फिर देखिए उसके बाद आप डी ड्राइव में पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले देखेंगे MD कमांड। ठीक है दोस्तों, MD कमांड से क्या होता है, MD कमांड से हम डायरेक्टरी बनाते हैं और सब डायरेक्टरी बनाते हैं। तो चलिए डायरेक्टरी बना के देखते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे MD कमांड। ठीक है दोस्तों, MD स्पेस देंगे, डायरेक्टरी का नाम देंगे यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे दे देते हैं Mohan1। ठीक है दोस्तों, इंटर करते हैं, अब जो है डायरेक्टरी हमारा बन गया है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टरी बनने के बाद इसे हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको DIR टाइप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, DIR कमांड देते हैं, DIR इंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे Mohan1 का एक डायरेक्टरी बना हुआ है। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, कौन से डेट में बनाए हैं, 11/27/2021। टाइम दिया हुआ है 10:03 AM में बनाए हैं, अगर PM में बनाते तो PM लिखाता। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए Mohan1। ठीक है दोस्तों, अब हमें, अब इतना जान गए दोस्तों कि DIR कमांड क्या है। DIR कमांड से हम फाइलों को एवं उप डायरेक्टरी की सूची देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइलें या उप डायरेक्टरी की सूची देख सकते हैं हम DIR कमांड से। इसके बाद हम देखेंगे CD कमांड। ठीक है दोस्तों, CD कमांड क्या है, तो CD कमांड से हम डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, तो CD टाइप करेंगे, CD स्पेस देंगे, हमें कौन से डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो Mohan1 के डायरेक्टरी। ठीक है दोस्तों, Mohan1 डायरेक्टरी टाइप कर, CD टाइप करके आप स्पेस दे करके Mohan1 करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो आप जो है Mohan डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश हो गए हैं। इसके बाद हमें इसके अंदर सब डायरेक्टरी बनाना है। ठीक है दोस्तों, सब डायरेक्टरी कैसे बनेगा, तो यहाँ फिर से हम MD कमांड का यूज़ करेंगे, MD स्पेस, अब टाइप कर देते हैं, यहाँ पे हम AA
बीबी और सीसी एक तीन डायरेक्टरी बना देते हैं, सब डायरेक्टरी। ठीक है दोस्तों, इंटर करते हैं। अब ये डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी जो है बन गया है, ए ए बी बी सी सी। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से डी आई आर कमांड देंगे। ठीक है, डी आई आर कमांड देंगे। ठीक है दोस्तों, इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए, ए ए बी बी और सी सी डायरेक्टरी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखेंगे इस जो डायरेक्टरी जो बनाए हैं उसको डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ से रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे हटा सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम कौन से कमांड यूज़ करेंगे, तो इसका जो कमांड होता है आर डी कमांड। आर डी कमांड में क्या होता है, डायरेक्टरी को हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आर डी टाइप करना है, आर डी स्पेस देके ए ए, हम एक थो डायरेक्टरी को यहाँ से हटाते हैं, एक ही डायरेक्टरी को यहाँ से हटाते हैं। ए ए डायरेक्टरी जो है सब डायरेक्टरी है, उसको हटा देते हैं यहाँ से। इंटर करते हैं और चेक कर लेते हैं। चेक किस में करेंगे, डी आई आर टाइप करके इंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो तीन डायरेक्टरी था, ए ए बी बी सी सी, और उसको हम यहाँ से रिमूव कर दिए या हटा दिए। ठीक है दोस्तों, तो हटा दिए, तो अब क्या बचा, यहाँ पे बी बी और सी सी सब डायरेक्टरी बचा है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे सी एल एस कमांड। सी एल एस कमांड क्या है, हमारे जो स्क्रीन पे जितने भी वर्क किए रहते हैं उसको मिटाने के लिए, क्लियर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सी एल एस कमांड देते हैं, सी एल एस। ठीक है दोस्तों, इंटर करेंगे, पूरा जितना भी था यहाँ पे वर्क किए थे वो पूरा हट गया है। ठीक है दोस्तों, अगला कमांड है रेन कमांड। रेन कमांड से क्या होता है, हम रीनेम चेंज कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जो मोहन वन के नाम से एक डायरेक्टरी बना हुआ है उससे बाहर आते हैं। बाहर आने के लिए क्या करेंगे, सीडी कमांड के यूज़ करेंगे, सीडी डबल डॉट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टरी के बाहर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम डी ड्राइव में हैं, फिर उसके बाद मोहन वन के नाम से सब डायरेक्टरी बना हुआ है, तो ये डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, सीडी डबल डॉट करना है। ठीक है दोस्तों, सीडी डबल डॉट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो हम ये मोहन वन से बाहर आ जाएंगे। मोहन वन से बाहर आने के बाद हम ये जो है रेन कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो मोहन नाम से एक डायरेक्टरी बना है उसको हम रीनेम करके चेंज करेंगे कोई दूसरा नाम से। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। रेन स्पेस करेंगे, मोहन वन स्पेस करेंगे, और जो नाम से हमें चेंज करना है वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोहन टू कर देते हैं, मोहन टू के नाम से सेव होगा। इंटर करते हैं, फिर चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए डी आई आर कमांड देते हैं, इंटर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोहन टू के नाम से ये सेव हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। आज हमने देखे एम डी कमांड, आर डी कमांड, सी डी कमांड, सी डी डबल डॉट, डी आई आर कमांड, और जो है रेन कमांड। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।